देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। आगामी 13 अप्रैल को प्रभु श्री राम के अभिन्न मित्र निषादराज गुह की जयंती देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में भी रायकवार माझी समाज द्वारा निषादराज जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में लगभग 550 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने भवन में विराजित हुए हैं और वहां पर सरकार ने रायकवार माझी समाज के आराध्य निषादराज गुह का मंदिर भी बनाया है। इसको लेकर समाजजनों में काफी उत्साह है और इस बार जयंती को दुगना उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष श्री विकास बाथम एवं रायकवार माझी समाज इंदौर के अध्यक्ष श्री हरीशचंद्र निषाद ने बताया कि दिनांक 13 अप्रैल शनिवार को शाम 5 बजे परदेसीपुरा चौराहा स्थित गेंदेश्वर महादेव मंदिर से रायकवार माझी समाज धर्मशाला सोमनाथ की नईचाल MIG थाने के पास तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में घोड़े, बग्गी, चलित झांकियां, डमरू, मंडली द्वारा विशेष प्रदर्शन, अखाड़े सहित महिलाएं कलश लिए व हजारों सामाजिक बंधु व गणमान्य जन बैंड बाजे सहित सम्मिलित होंगी। इस संबंध में समाज के पदाधिकारी की एक बैठक का आयोजन LIG क्षेत्र स्थित समाज की धर्मशाला पर किया गया। इस दौरान समाज जनों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगोत्सव की बधाई भी दी। माझी समाज द्वारा किस तरह से इसकी तैयारियां की जा रही है और आज किस तरह से मीटिंग में इसको लेकर निर्णय हुआ? आज की जो मीटिंग हमने रखी थी वो होली मिलन समारोह के लिए हम लोगों ने आयोजित की थी, जिसमें सभी सामाजिक बंधु हमारे उपस्थित रहे, जिसमें हमने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। सभी ने एक दूसरे को कलर गुलाल वगैरह लगाकर होली मिलन समारोह का संपूर्ण रूप से मनाया गया। और 13 अप्रैल को अगले महीने में निषादराज जयंती की जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं इंदौर में। ये हमारा 7वां वर्ष है, ठीक है। इस यात्रा में हम लोगों के काफ़ी सारे जो सामाजिक अलग अलग संगठन हैं इंदौर के, वो सारे सम्मिलित होने वाले हैं। विशेष रूप से इसमें हमारे घोड़े, बैंड बाजा, बग्गी वगैरह, कलश लिए महिलाएं, चलित झांकी वगैरह, ये सारे इसमें सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग निषाद जयंती जो मनाते हैं और इस वर्ष भी हम लोग 13 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। जयंती पर जो यात्रा निकलती है हर वर्ष, इस बार किस तरह से अलग हटके धूमधाम के साथ निकाली जाएगी और कहाँ से कहाँ तक इसका रूट रहेगा? इस बार बहुत भव्यता रहेगी, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे निषाद महाराज जी का जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके अंदर एक मंदिर हमारे निषाद महाराज जी का भी बन रहा है, इसलिए बहुत हर्ष का है। पूरे समाज में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ एक नहीं दो यात्रा निकल रही है। एक रामबाग से भी यात्रा निकल रही है, वो भी निषाद महाराज की निकल रही है, और एक यहाँ से निकल रही जो परदेसीपुरा चौराहे जो अपना भोलेनाथ जी का मंदिर, वहाँ से लेके सोमनाथ की चाल धर्मशाला, रायकवार माझी धर्मशाला, वहाँ तक निकलेगी। तो इसको लेकर एक बैठक हुई है, क्या क्या निर्णय हुए इसके अंदर? बैठक के अंदर ये निर्णय हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधुओं को बोलना है, और हमने तो ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा हर साल यही प्रयास है कि समाज नहीं, निषाद महाराज राम सखा थे तो सबके सखा थे वो। निषाद महाराज अकेले राम जी के सखा हो के हम भी संपूर्ण समाज को, सारी जाति, सारे बंधुओं को, सबको इकट्ठा चाहते हैं कि सब आए। तो हमने पूरे समाज वालों ने यही निवेदन करा है कि अपने वहाँ गैर समाज के जो भी बंधु हैं, हालांकि सब समाज के हमारे शामिल होते हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सबको जोड़ने से निषाद महाराज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यात्रा, शोभा यात्रा के अंदर संपूर्ण समाज आए, एकता का स्वरूप रहे, सारे हिंदू संगठन एक साथ इकट्ठे चले। आपका परिचय? इस बार विशेष रूप से तैयारी हो रही है, इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में जिस प्रकार सरकार ने अयोध्या मंदिर में अंदर एक निषाद राज जी को स्थान दिया है, उससे पूरे समाज में एक हर्ष का माहौल है, अति उत्साह में है। इसी उत्साह को देखते हुए हमारे समाजजनों ने भी ये निर्णय करा है कि हम अति जो विशेष रूप से निकालते थे, इस बार मंडली, डांस मंडली, डमलू मंडली है, अपना DJ है, DJ के साथ में हमारी नृत्य मंडलियाँ भी चलेंगी, महिलाएं कलश लेकर चलेंगी और अखाड़े भी अपने रहेंगे, बच्चे अपने कर्तव्य दिखाएंगे, अन्य और भी संगठनों के उससे हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि इस बार अधिक से अधिक समाज बंधुओं को इसमें जोड़कर भव्य रूप से, क्या इसमें झांकियां भी सम्मिलित रहेगी? हाँ, इसमें झांकियां हैं, झांकियां भोलेनाथ जी के, माँ कालका की भी है, राधा कृष्ण का नृत्य भी है, और विशेष रूप से महाकाल जो एक मंडली है, डमरू मंडली, उसका भी यहाँ विशेष रूप से ये एक हमारे यहाँ आकर्षण का केंद्र रहेगी। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।
नमस्कार, मैं आशुतोष राणा, HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।